हेलो फ्रेंड्स, आपके पास बिल्कुल सीले हुए रस्क क्यों नहीं पड़े हों या क्रिस्पी रस हों, उनसे बहुत टेस्टी मिठाई बन सकती है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले यहाँ आज हम रस्क से मिठाई बनाएंगे, तो ये मैंने एक रस का पैकेट लिया है। इसमें से कुछ रस चाय के साथ हमने खा लिए हैं, जो बाकी के रस हैं इन्हें निकाल कर मैं प्लेट में रख लूँगी। ये रस मेरे क्रिस्पी क्रंची हैं क्योंकि मैंने ये पैकेट अभी खोला है। इनका मुझे मिठाई बनाने के लिए पाउडर बनाकर लेना है, तो सारे रस तोड़कर मैं जार में डाल लूँगी, जिससे इन्हें पीसने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे रस का पैकेट खुला हुआ रह जाता है तो वो सील जाते हैं, उसकी भी हम मिठाई बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। इसमें मैं सारे रस्क डालकर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। इससे होगा ये रस हमारे फिर से क्रंची हो जाएंगे। एक डेढ़ मिनट में ही रस्क अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और जब ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, फिर इन्हें पीसकर बिल्कुल जिस तरह से मैं मिठाई बनाऊंगी उसी तरह से मिठाई बना लें। रस को बारीक पीस लिया है, अब इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। जिस प्लेट में हम मिठाई को सेट करेंगे उसे पहले ही घी से ग्रीस करके रख लें। अब हम मिठाई बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख ली है, इसमें ये 1/4 कप चीनी है इसे डालेंगे और चीनी का 1/2 हम पानी डालेंगे। मीठा यहाँ हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें चाशनी में 1-2 तार बनाकर चेक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ही चाशनी थोड़ी देर पकते हुए झाग से आने लगे और शहद के जैसी चिपचिपी हो जाए, बस हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए। जैसे ही चाशनी इतनी गाढ़ी हो जाएगी तो जो रस्क हमने पीस कर रखे हुए हैं उन्हें चाशनी में डाल देंगे। साथ ही ये 1/4 कप मखाने का पाउडर है, मखाने ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने पाउडर बना लिया है, इसे भी डाल देंगे। इससे मिठाई में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसकी जगह आप 1/4 कप कोकोनट पाउडर भी डाल सकती हैं। अब गैस की फ्लेम स्लो कर लें, मखाना पाउडर और रस्क के पाउडर को चाशनी में अच्छे से मिक्स करें। जब तक ये जमने की कंसिस्टेंसी में ना जाए, लगातार इसे हमें चलाते हुए रहना है। ये बहुत जल्दी जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। देखिए, इसने पूरी तरह से कढ़ाई छोड़ दी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और फटाफट से इसे पहले से ग्रीस की हुई प्लेट में डाल लेंगे। या तो कोई चम्मच ले लें या स्पैचुला ले लें, जिससे ये हमारा मिश्रण अच्छे से एक सार हो जाए। फ्रेंड्स, ये मिठाई इतनी टेस्टी लगती है, इसे बनाकर आप जब अपने घर वालों को खिलाएंगी तो गैस भी नहीं कर पाएंगे, इसे आपने रस्क से बनाया है। इसे सेट होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये मिठाई हमारी बहुत जल्दी सेट हो जाती है। गरम गरम मिश्रण में ही हमें कट के निशान लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब ये एक बार सेट हो जाएगी तो फिर इसे काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस स्टेज पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स या चांदी के वर्क से गार्निश कर सकती हैं, जिससे ये मिठाई हमारी देखने में अट्रैक्टिव लगे। मैं इस मिठाई को सिल्वर बॉल से गार्निश कर रही हूँ। इन्हें मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। आप भी सिल्वर बॉल ऑनलाइन परचेज करना चाहती हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इससे हमारी मिठाई खाने में तो टेस्टी लगती है, साथ ही देखने में भी बहुत बढ़िया लगती है। 15 से 20 मिनट में ही मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। अब इसका एक पीस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया है हमारी मिठाई बनी है, लग रही है ना बिल्कुल खोए जैसी मिठाई। चलिए तोड़कर भी देख लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली ये हमारी मिठाई बनी है। अब तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मोर टेस्टी फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें प्लीज, और आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अपने फैमिली फ्रेंड्स और प्यारे प्यारे दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं
आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।